शोहर नमाज पढ़कर घर में आया तो बीवी को देखा, बीवी मोबाइल चला रही थी। शोहर ने बीवी से कहा कि तुमने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी, उठो, नमाज का वक्त ख़त्म हो रहा है, जल्दी से नमाज पढ़ो। बीवी ने आगे से जवाब दिया कि आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मुझे नींद आ रही है, भाई मैं तो सोने जा रही हूँ। बीवी की ये बात सुनकर शोहर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, लेकिन शोहर ने बीवी को कुछ ना कहा। बीवी बड़े मज़े के साथ अपने बेडरूम में चली गई, जाकर बेड पर लेटी, ऊपर कंबल लिया और मज़े के साथ सो गई। उसके पीछे ही उसका शोहर बेडरूम में आ गया, उसने भी सर से टोपी उतारी, बेड पर लेटा, कंबल लिया और वो भी सो गया। सुबह जब फजर की आज़ान हुई, शोहर उठा, उठकर अपने सर पर टोपी रखी और वुज़ू किया, मुसल्ला बिछाया और नमाज़े फजर अदा की। नमाज़े फजर अदा करने के बाद शोहर अपनी बीवी को देखता है कि वो अभी भी मज़े के साथ सोई हुई है। शोहर काम पर जाने के लिए तैयार होने लगा। तैयार होने के बाद शोहर ने अपनी मोटरसाइकिल अपने घर से निकाली और वो बग़ैर बीवी को बताए, बग़ैर नाश्ता किए काम पर चला गया। एक दो घंटे के बाद जब बीवी की आंख खोली तो बीवी ने बेड पर देखा कि शोहर मौजूद नहीं था। वो हैरानगी के साथ उठी और उठकर बाहर गई, एक कमरे में देखा वहाँ पर शोहर नहीं था, दूसरे कमरे में देखा वहाँ पर भी नहीं था, तीसरे कमरे में देखा वहाँ पर भी नहीं था, बाहर सेहन में आकर देखा तो वहाँ पर भी नहीं था। तो वो बड़ा परेशान हुई कि बग़ैर बताए बग़ैर नाश्ता किए मेरा शोहर कहाँ चला गया है। अब क्या है कि वो बीवी अपने शोहर को कॉल करने लगी। शोहर ऑफिस में बैठा था, जब बीवी की कॉल आती तो वो अपनी बीवी की कॉल आगे से काट देता, बीवी फिर कॉल करती वो फिर आगे से फ़ोन बंद कर देता। बीवी बहुत परेशान थी कि ऐसा क्यों कर रहा है। बीवी के कई मर्तबा कॉल करने के बावजूद भी शोहर ने कॉल ना उठाई। बीवी परेशानी के आलम में इधर उधर चलने लगी कि पता नहीं कहाँ चला गया है, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा, वो ठीक भी होगा कि नहीं होगा। तो आखिरकार उसने कुछ घंटे गुजरने के बाद जब शोहर को कॉल की तो शोहर ने आगे से कॉल उठा ली। बीवी ने एक ही सांस में ना जाने कितनी बातें कह दी कि तुम कैसे इंसान हो, सुबह बगैर बताए घर से आ गए, नाश्ता भी नहीं किया और मैं कब से फ़ोन कर रही हूँ, बंदा एक कॉल तो उठा लेता है, कम से कम जवाब तो बंदा दे देता है कि मैं कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ, इतनी भी फुर्सत नहीं है तुम्हें। बीवी की सारी बातें सुनने के बाद शोहर ने बीवी से कहा कि तुमने भी तो कल रात उस पाक जात की कॉल को नज़रअंदाज किया था, क्या तुम्हें मस्जिद के स्पीकरों से हैयाल सला हैयाल फला की आवाज़ नहीं आई, फिर भी तुम बग़ैर नमाज पढ़े जाकर मज़े के साथ सो गई और सुबह भी तुमने नमाज नहीं पढ़ी, तुम दो मिनट के लिए थोड़ी सी फुर्सत निकाल कर नमाज पढ़ लेती तो तुम्हारा क्या जाता, बस इसीलिए मैंने तुम्हारी कॉल को नज़रअंदाज किया, मुझे भी फुर्सत नहीं मिली कि मैं तुम्हारी कॉल उठा सकूं। बीवी शोहर की सारी बात समझ गई और शोहर से माफ़ी मांगने लगी कि आइंदा कभी भी ऐसा नहीं होगा, मैं इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज अदा करूंगी। इस तरह शोहर ने अपनी बीवी को 5 वक्त का नमाजी बना दिया। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमान मर्द और औरतों को 5 वक्त की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों, सच्चा शरीक हयात वही है कि जो एक दूसरे को दीन की राह पर गामजन करें
और दीन के कामों में एक दूसरे की मदद करें। सवाब की नीयत से इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाइएगा।